गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आज एक नया यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, यानी इनऑर्गेनिक में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर को, जो आपका यूनिट 8 है। यूनिट 6 आप क्लास में पढ़ चुके हैं, 6 पढ़ाए थे क्लास में, 7 हम लोग देखेंगे। चलिए 8 को शुरू करते हैं। यूनिट 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये यूनिट 8 है। यूनिट 8 है, इसमें 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स है। चैप्टर है द डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए इसी को हम लोग शुरू करते हैं। आज महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारा प्रश्न इससे आता है, द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए इस डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, ये जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, बहुत सारा प्रश्न इससे आता है, आवर्त सारणी हिंदी में कहते हैं। तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 4 ब्लॉक, और वो जो 4 ब्लॉक है वो ब्लॉक आप जानते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक आपका है, एस पी डी और एफ ब्लॉक। उसी से ये 2 ब्लॉक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जो कि 11th में आप जनरल वे में पढ़े थे, उसी डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ना। तो जानिए इस चैप्टर में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ते हैं। तो 4 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में, इस यूनिट में हम लोग निम्न 4 टॉपिक्स का अध्ययन करते, 4 टॉपिक्स का अध्ययन करते। तो 4 टॉपिक्स में 1 टॉपिक हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। बी देखेंगे द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सी देखेंगे द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी देखेंगे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ एफ ब्लॉक, कंपाउंड्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चीज हम लोग को देखना। तो ये 4 टॉपिक्स इसमें आप पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट होगा, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, और कंपाउंड्स ऑफ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इतना चीज इसमें आपको पढ़ना। तो बेसिक कंसेप्ट, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो चलिए इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन सभी बात को देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में तो ये बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो नंबर ए लिखिए बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में देखिए आपके ये जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट जिसको आप तत्व कहते हैं ये एलिमेंट जिस एलिमेंट को आप तत्व कहते हैं आप जानते होंगे एलिमेंट जो होते हैं वो एटम के बने होते हैं। जानते हैं ना ये जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट बने होते किस चीज के एटम। एलिमेंट एटम के बने होते जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। और देखिएगा इस एटम में जब आप प्रवेश करेंगे एटम में प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगा ऑर्बिट। क्या मिलेगा ऑर्बिट जिसको हिंदी में कक्षा कहते हैं। ये ऑर्बिट मिलेगा जिसको कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट में प्रवेश कीजिएगा तो सब ऑर्बिट मिलेगा सब ऑर्बिट मिलेगा जिसको उप कक्षा कहते हैं। ये उप कक्षा कहते हैं। और सब ऑर्बिट में जब प्रवेश कीजिएगा तो सब ऑर्बिट में आपको ऑर्बिटल मिलेगा। ये ऑर्बिटल मिलेगा और ऑर्बिटल मिलेगा। तो इस तरह से देखिए पहले एलिमेंट है एलिमेंट में क्या मिला जी एटम। एटम में क्या मिला ऑर्बिट जिसको आप कक्षा कहते हैं। उसके बाद क्या मिला सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के बाद मिला ऑर्बिटल। तो इस तरह से देखिए आपके होते हैं। अब देखिए ये जो ऑर्बिटल होते हैं इस ऑर्बिटल को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं। चलिए इसे बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो एटम होते हैं अगर एटम की बात करें तो इस एटम को ये एटम है एटम को देखिएगा हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये आपके ये पॉजिटिवली पार्ट केंद्र होता सेंटर और ये जो सेंटर होते हैं इसमें देखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता इसको आप नाभिक कहते हैं। ये तो नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये नाभिक होता न्यूक्लियस होता और नाभिक में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो पी होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन जिसको कहे पी ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल जिसको एन कहते हैं ये न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रल और जीरो चार्ज जीरो ये जीरो चार्ज होता है न्यूट्रल पर। अब देखिए नाभिक में चुकी दो चीज है प्रोटॉन और न्यूट्रल। न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव है तब जानते हैं कितना भी पॉजिटिव है वो जीरो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये जो नाभिक होते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पे क्या हो जाएगा ये जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में हो गया पॉजिटिव
और ये जो देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, यह इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर देखिएगा कौन चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है इसी इलेक्ट्रॉन के पाथ को इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो यही है आपका ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है। तो ये हो गया ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, और नाभिक न्यूक्लियस हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, और प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसी कक्षा की बात हम करते हैं, तो ये थोड़ा सा एटम के बारे में बता दी कैसे कैसे एटम है। उसके बाद देखो अब चलते हैं ऑर्बिट, ये ऑर्बिट अभी देखे सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट करते हैं ना, तो ऑर्बिट देखिएगा इस तरह से होता है, ये न्यूक्लियस होगी, ये ऑर्बिट, ये एक दो तीन चार पांच छह ये सात, यही देखिए ऑर्बिट होता है, इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। जो कहाँ होता है, तो एटम में होता है। तो ये तो पता आपको न्यूक्लियस होगी, ये तो न्यूक्लियस होगी। अब देखिए ऑर्बिट का नामकरण किया गया, ये जो कक्षा है एटम का ऑर्बिट है उसका नामकरण किया गया कहाँ से, तो यहाँ से कहते के एल एम एन ओ पी की। इस बेसिक बात को जानना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, जो बताने जा रहे हैं अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो नो आपको यूनिट आठ समझ में आएगा, नो नौ समझ में आएगा, नो सात समझ में आएगा। तो सात आठ नौ तीनों में इसका एप्लीकेशन है, सात में भी हम यूज करेंगे, आठ में तो करेंगे ही, यूनिट नौ देखेंगे जो काफ़ी टेक्निकल है उसमें भी होगा। इसीलिए सभी बच्चे रेगुलर होके ध्यान से पढ़िएगा, 11 से रिलेटेड है। तो चलो हम लोग नाम रख दिए किसका जी, इस डिफरेंट ऑर्बिट का कक्षा का। तो ऑर्बिट में जानिए इसको प्रथम ऑर्बिट कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, ये चौथा पांचवा छठा सातवां, तो इस तरह से ऑर्बिट होता है। तो ऑर्बिट हो गया क्या सर, के, तो देखो ये के ऑर्बिट हुआ, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आपको याद रखना पड़ेगा किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता, तो किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता, तो देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता, दो आठ अठारह बत्तीस बत्तीस अठारह आठ, ये बिल्कुल अनिवार्य आपको याद रखना। ऐसे जो बच्चे पढ़ते हैं इलेवेंथ में भी ध्यान से पढ़े थे उसको पता है कितना कितना, तो ये डिफरेंट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है ये आपको याद रखना, एकदम याद रखिएगा कितना जी, तो दो आठ अठारह बत्तीस बत्तीस अठारह आठ, एकदम एकदम में याद रखना है, दो आठ अठारह बत्तीस बत्तीस अठारह आठ, हो गया याद, तो इस तरह से याद रखना एकदम में, दो आठ अठारह बत्तीस बत्तीस अठारह आठ। तो डिफरेंट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही होते हैं, दो आठ अठारह बत्तीस बत्तीस अठारह आठ। अगर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आप याद रखेंगे तो आगे की बात आपको स्पष्ट होगी। तो चलिए अभी इतना हम लोग देखें, ऑर्बिट होता है के एल एम एन ओ पी क्यू,
एक से सात तक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बात हम आपके लिए कर दिए। तो चलो ये देखें ऑर्बिट के बारे में, तो एक एक चीज आपको मिल जाएगा, एक एक चीज समझ में आने लगेगा, अगर ध्यान देंगे तो सब बात क्लियर हो जाएगा और प्रश्न आपसे बनने लगेगा। तो चलो ये था ऑर्बिट, तो ऑर्बिट की बात हम लोग कर लिए। तो कक्षा जिसको कहते हैं 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, अब चलो कहते हैं सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट जिसको आप कहते हैं उप कक्षा। तो देखो ये सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट है उप कक्षा, ये सब ऑर्बिट क्या होता है उप कक्षा क्या होता। तो जानो इसका नाम जो है सब ऑर्बिट का जो नाम है वो नाम आप सुने होंगे एस पी डी एफ, ये नाम होता उप कक्षा का नाम होता है एस पी डी एफ। तो ये चार सब ऑर्बिट है उप कक्षा है एस पी डी एफ, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है और इसको लिखते हैं एस टू। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है लिखते हैं पी सिक्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है लिखते हैं डी टेन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है लिखते हैं एफ 14। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। एकदम भूल भी नहीं करना है, एकदम हर हाल में याद रखना, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, उसको लिखते हैं एस टू पी सिक्स डी टेन एफ 14। इस तरह से इसको आपको याद रखना है कि किस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सीखे एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ध्यान अगर देते रहेंगे आप तो सब कुछ स्पष्ट होगा आपको। ये डिफरेंट उप कक्षा का नाम हो गया, एस में 2 हो गया, पी में 6 हो गया, डी में 10 हो गया, एफ में 14 हो गया। तो ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो शेप की बात करें, तो शेप की बात करें इस ऑर्बिटल जो आपका है उसका शेप जो होता है, तो ये एस का शेप, ये जो एस का शेप होता है ये होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल समझ रहे हैं, गोलीय कैसा होता है, गोलीय, गोलीय समझ रहे हैं फुटबॉल के जैसा, फुटबॉल जो होता है तारबूज देखे हैं ना, फुटबॉल तारबूज, उसी तारबूज के जैसा गोल होता है एस। तो एस ऑर्बिटल आपसे कभी कभी पूछ देता है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता, तो एस ऑर्बिटल जो होता है गोल होता है तारबूज फुटबॉल के जैसा गोल होता है। तो एस की बात हो गई, पी का सी, अब देखे पी जो होता है भोले बाबा देखे होंगे डमरू, तो जो डमरू देखे डम्बेल कहते हैं, दो तरह घंटी बजता है इधर इधर, डम्बेल डमरू के जैसा। तो पी का शेप कैसा होता है जी, तो ये डम्बेल होता है, डम्बेल डमरू के जैसा, कैसा, तो डमरू के जैसा। तो कैसा होता है जी, यानी ये जो पी का शेप होता है डमरू के जैसा होता है, डम्बेल होता है डमरू के जैसा। कहिएगा सर कैसा, एक बार दिखा दीजिए, तो देखिए ऐसा होता है, जैसे दो भट्टा बैगन ले लीजिए और एक तार में गूंथ दीजिए तो जैसा बन जाएगा, जैसे देखिएगा दो बैलून लीजिए उसके मुंह को बंद दीजिए देखिएगा दोनों तरफ से फुला हुआ रहता है ना, जस्ट वैसा ही होता है, डम्बेल होता है डमरू के जैसा। उसके बाद डी देखेगा, डी का सी, तो डी जो होता है दो डमरू के जैसा, डबल डम्बेल, ये कैसा होता है डबल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होता है। देखो ऐसे बनाते हैं, ये देखो ये होता है, तो एस हो गया स्फेरिकल, पी हो गया डमरू के
गया डबल डंबल दो डमरू के जैसा, तो इस तरह से डी होता। और एफ की बात करें इसमें कहते कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड कहते जटिल, तो इस तरह से होता। तो ये कभी कभी आपसे सेम भी पूछ लेता है, एस कैसा होता, पी कैसा होता, डी कैसा होता, एफ कैसा होता है। तो याद रखिएगा इसको, एस स्फेरिकल होता, पी डम्बेल होता, डी डबल डम्बेल होता, एफ कॉम्प्लिकेटेड होता, जटिल होता, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग सब ऑर्बिट के बारे में चर्चा की, उपकक्षा के बारे में चर्चा की, एस पी डी एफ, तो ये उपकक्षा होते हैं। तो एस पी डी एफ, अब चलिए देखिए उपकक्षा तो हम लोग सीखे, क्या सीखे भी, एस में दो इलेक्ट्रॉन होता। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि ये तीनों चैप्टर आपका 7, 8, 9 जो है, इस तीनों में पूरा कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत होता, उसके लिए हम नींव डालने जा रहे हैं। अगर ये नींव आपके पास नहीं रहेगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए हम एक मंत्र देंगे आपको, उस मंत्र में इसका जरूरत पड़ेगा, इस मंत्र को जाप करना पड़ेगा। अगर इस मंत्र को जानिएगा तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए अभी क्या सिखाए थे कि पहला जो ऑर्बिट आपका के, अभी बताए थे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन है। अभी रटा रहे थे आपको 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, देखिए एप्लीकेशन उसका है। तो पहला जो दो, पहला जो आपका है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक होता है जी एस, आपको पता है एस में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एस उस दो इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, इसीलिए देखिए केवल लिखा जाता है 1s, 1s केवल लिखा जाता है कि पहला में एक हुआ क्या, तो s, और पहला में एक हुआ s, इसलिए 1s लिखा जाता। कोई पूछे 1p 1d 1f, तो ये सब नहीं होता, तो केवल क्या होगा 1s होगा, क्योंकि पहला में एक होता। अब दूसरा l, क्या को बोले थे जी, 8 बोले थे, 8 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो देखो एस आएगा 2 को रख लेगा, पी आएगा 6 को रख लेगा, तो एस में 2 अटेगा, पी में 6 अटेगा, तो 6, 2, 8 अटेगा, इसीलिए देखो लिखेंगे हम लोग 2s लिखेंगे और 2p लिखेंगे, तो 2s भी होता है, 2p भी होता है, लेकिन ये 2d नहीं होता, 2f नहीं होता, ये नहीं होता। इसी तरह चलिए KLM 3 हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन बोले थे, और 18 बोले थे तो देखिए ये s 2 रखेगा, p 6 रखेगा, d 10 रखेगा, देखो हुआ ना 10, 6, 16, 2, 18, तो 18 हो गया, 18 हो गया, तो देखो क्या सब लिख सकते हैं, 3s लिख सकते हैं, 3p लिख सकते हैं, 3d लिख सकते हैं, 3f नहीं लिख सकते हैं, या 3f नहीं होता है। तो देखिए KLM उसका n बोले थे चौथा, 32 इलेक्ट्रॉन बोले थे, और 32 को रखने के लिए देखो 4 आ जाएगा, s p d f सब आ जाएगा, s p d f सब आ जाएगा, इसीलिए देखो 4s हो जाएगा, 4p 4d 4f, यानी ये जो चौथा होगा इसमें आपको चारों संभव हो जाता है, s भी, p भी, d भी, f भी। इसी तरह देखो m n o लीजिए तो 5 होगा, इसमें भी 32 बोले थे, इसमें भी s p d f सब, इसलिए यहाँ भी आप 5s 5p
फाइव डी फाइव एस, तो ये आप लिखेंगे, तो यहाँ भी फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एस, ये सब आपका हो जाएगा। तो फाइव एस भी होगा फाइव पी फाइव डी फाइव एस, तो इसमें भी चार होता, यानी दो कक्षा जो आपका है चौथा और पांचवा, इस चौथा और पांचवा में सभी उपकक्षा होता है एस पी डी एस, ओ पी लीजिए ये छठा है, याद करो इसमें अठारहे बोले थे, अठारहे बोले थे तो क्या सब होगा, एस होगा पी होगा डी होगा, इसीलिए देखो सिक्स एस हम कहते हैं, सिक्स पी कहते हैं, सिक्स डी कहते हैं, सिक्स एस होगा सिक्स पी होगा सिक्स डी होगा, और ये सिक्स एफ की बात करें तो स्पष्ट हो रहा ये नहीं हो। तब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वीआईपी बात है, ध्यान में रखेंगे कि ये नहीं होता, ये पी, उसके बाद था वो पी क्यू यू, ये सातवां, सातवां में याद करो आठ इलेक्ट्रॉन था तो दुइये होगा एस पी, इसीलिए आप सेवन एस लिखेंगे, सेवन एस लिखेंगे सेवन पी लिखेंगे, तो सेवन एस होगा सेवन पी केवल होगा, अगर कोई कहे सेवन डी तो नहीं होता है, सेवन एफ तो ये नहीं होता। तो इस तरह से देखिए इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशान हो जाइएगा। इसका पूरा पूरा एप्लीकेशन है कि किसमें कौन होता है, तो देखिए दो पहला में आप याद रख लीजिए, पहला में देखो एक के गो हुआ, दूसरा में देखो दो गो हुआ, तीसरा में तीन गो हुआ, चौथा में चार गो, यहाँ तक देखिए स्पष्ट है, पहला में एक के हुआ एस, दूसरा में दो गो हुआ एस पी, तीसरा में तीन गो हुआ एस पी डी, चौथा में चार गो हुआ एस पी डी एल, पांचवा में भी चार गो हुआ, छठा में तीन हो गया, सातवां में दो हो गया, देखिए ये दो हो गए। इस तरह से देखिए स्पष्ट हो रहा है किसमें क्या गो है, तो पहला में एक के गो, दूसरा में देखिए दो गो हो, तीसरा में देखिए तीन गो हो, चौथा में देखिए चार गो हो, लेकिन यहाँ से अंतर हो, पांचवा में पांच गो नहीं हुआ, पांचवा में चार गो, छठा में छह गो नहीं हुआ, छठा में तीन गो, सातवां में दुइये गो। इस तरह से देखिए अब याद रखिएगा, ऐसे हम कंसेप्ट डेवलप कर दिया है कैसे आया, तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को अभी हम बताए थे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है उसी आधार से हम लोग किए, तो पहला में स्पष्ट देख रहे हैं केवल वन एस लिखे, दूसरा में दो एस दो पी लिखे, तीसरा में थ्री एस थ्री पी थ्री डी, चौथा में चार हो गया, पांचवा में भी चार हो गया, यहाँ तीन गो हुआ, यहाँ दुइये हुआ। तो इस तरह से हम लोग किसमें कौन कौन होता है इसकी बात हम लोग अच्छी तरह समझ लें, सभी बच्चे समझ भी गए होंगे। तो ये था किसमें क्या हो सकता है, सब ऑर्बिट के बारे में हम आपको कंसेप्ट दिए। तो ये था सब ऑर्बिट एस पी डी एफ, याद रखिएगा एस में दो इलेक्ट्रॉन, पी में छह इलेक्ट्रॉन, डी में दस इलेक्ट्रॉन, एफ में चौदह इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। अब चलिए ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑर्बिटल, तो अब देखिए ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और दोनों का स्पिन चक्रण एक दूसरे से
से विपरीत विपरीत रहता है। तो दोनों का स्पिन एक दूसरे से विपरीत रहता है, तो विपरीत स्पिन होता है। और देखो हम लोग ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को प्रायः ऐसे दिखाते हैं या देखिएगा ऐसे दिखाते हैं। तो कभी ऑर्बिटल को ऐसे दिखाएंगे, कभी ऐसे दिखाएंगे, लेकिन क्या बता है, एक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, देखो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। अब सुने होंगे विपरीत चक्रण है, तो एक को कहते क्लॉकवाइज, एक को कहते एंटी क्लॉकवाइज। एक घड़ी की दिशा में घूमता है, आप जानते हैं घड़ी ऐसे घूमता है, तो ऐसे घूमता है, ये घड़ी की दिशा में होगी। तो देखिए ये जो हम लिखे ऐसे, इस तरह से इसका देखिए अर्थ हुआ ऐसे घूम रहा है, देखिए है ना घड़ी की दिशा में ये ऐसे घूम रहा है, यही है क्लॉकवाइज। क्लॉक वाइज स्पिन, और ये जो ऐसे देख रहे हैं इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा है, देखिए घड़ी के विपरीत में घूम रहा है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक एंटी 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 क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी एंटी क्लॉक वाइज स्पिन। तो इस तरह से देखिए क्लॉक वाइज स्पिन हो, एंटी क्लॉक वाइज स्पिन हो, कहिएगा ये दोनों, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बनाए हम ऑर्बिटल। तो देखिए एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों का चक्रण जो होता है, स्पिन जो होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरह से डिफरेंट स्पिन होते हैं, क्लॉकवाइज एक हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये डिफरेंट स्पिन हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो डिफरेंट स्पिन हो गया इलेक्ट्रॉन का स्पिन। अब देखो पता चल गया हम लोग को कि एक ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का चक्रण विपरीत हो। तो अब देखो अगर P हम लेते, तो अगर P लेते याद करो S लेते, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन बोले थे, तो S में तो दो इलेक्ट्रॉन बोले थे, और ए दो इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल एक घर में दो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जब भी एस होगा इसमें हम लोग एक घर बनेंगे, एक घर बनेंगे। और पी में कितना था जी, छः था ना, और छः था, तो एक गो में दो गो अटेगा, तो क्या गो घर बनाना पड़ेगा, तो सोचिए छः गो को रखना है, दो दो गो रखेंगे, तीन गो घर में बनेगा, इसीलिए देखिएगा पी में हमेशा हम लोग तीन घर बनेंगे। डी में देखो दस होता है, तो दस होता है, तो एक दो तीन चार, इस तरह से पांच घर बनेंगे। एफ में चौदह होता है, तो इस तरह से देखिए हम लोग बनाते हैं एक दो तीन चार पाँच छ, तो सात। तो बात आ गई समझ में, किसमें कितना घर, ये घर अगर भुतलाए तो फिर भुतला जाइएगा, याद रखना है कि क्या गो घर किस में है। तो एस में क्या गो घर बनाइएगा, एक में, पी में तीन में, तब ना जी दो दो गो रखिएगा तो छः गो हट जाएगा, और डी में दस होता है तो पांच गो बनाना पड़ेगा, और एफ में चौदह होता है तो सात गो बनाना पड़ेगा, तब ना दो दो गो हटेगा। तो इस तरह से घर आप बना दीजिएगा, एस में दो, पी में छः, डी में दस, एफ में चौदह। तो इस तरह से आप घर बना सकते हैं, और याद रखिएगा किसमें क्या गो घर हो, ये याद रखना बिल्कुल अनिवार्य है। तो हम लोग सीखे कि एस में एक घर बनाएंगे, पी में तीन घर बनाएंगे, डी में पांच घर बनाएंगे, एफ में चौदह घर बनाएंगे, क्या कहते सात घर बनाएंगे। अब चलिए इस घर में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
भरा जाता है ह्यूम्स रूल से। ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे ह्यूम्स रूल से भरेंगे। कौन रूल? तो ह्यूम्स रूल। तो कहते हैं और बाय टल में इलेक्ट्रॉन्स ह्यूम्स रूल से ह्यूम्स रूल से भरा जाता। तो ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ह्यूम्स रूल से भरा। तो ह्यूम्स रूल से भरेंगे। ह्यूम्स रूल क्या कहता है? तो ह्यूम्स रूल कहता है पहले एक एक करके भरेंगे और जब भर जाएगा तो फिर से विपरीत स्पिन से उसका क्या करेंगे? जोड़ा लगा देंगे। यही ह्यूम्स रूल कहता है। ये जो ह्यूम्स रूल है ये कहता क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरिएगा और एक एक करके जब भर दीजिएगा तो फिर से जो भरने लगिएगा तो विपरीत स्पिन के साथ भरिएगा। तो यही हम लोग का कहता है ह्यूम्स रूल। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन हम लोग भरने की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे एस में कितना है? दो है। दो है तो घर के आगे बनाइएगा एक दो। इलेक्ट्रॉन कैसे भरिएगा? ये दो है तो एक ऐसे एक ऐसे। अब देखो पी में छः है तो छः है तो घर बनाए थे अभी तीन को बनाए थे। तो देखो पहले ऐसे जाएगा एक दो तीन पूरा भर दीजिएगा और पूरा भर दीजिएगा तो उसके बाद फिर से विपरीत से लगेगा चार पाँच छः। देखो ये ऐसे भरना है। और बोले थे डी में कितना होता है? दस होता है। तो घर बोले थे पाँच को बनाइएगा तो एक दो तीन चार तो पाँच घर हो। दस इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो इस तरह से लेके भर दी। अब एफ में चौदह है तो बोले थे सात को घर बनाइएगा तो एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन भरो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके सिवाय किसी दूसरे तरह से भरिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो यही क्या बताता है जी? ह्यूम्स रूल बताता है। तो इस तरह से भरिएगा। कहिएगा अगर सर ऐसा है मान लो कहीं पी में चार इलेक्ट्रॉन है तो पी में चार इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेंगे चार इलेक्ट्रॉन को? ये नहीं कि दो घर बना देंगे। घर जितना बनता उतने बनेगा। आप जानते हैं पी में तीन घर बनता तो तीन घर बनता। पी में चार इलेक्ट्रॉन है तो एक दो तीन को देखो भर दी और तीन को भर दिए तो अब देखिए विपरीत स्पिन से भरेंगे। देखो हो गया चार और चार भर दिए ना तो जानिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन जिस पर खेल पूरा है इस चैप्टर में। ये बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो काम आपका नहीं होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मीन जानते हैं जोड़ा जोड़ा में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको अब समझना पड़ेगा बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पेयर्ड होता है और अनपेयर्ड होता है। उसके बाद देखो मान लो डी में आपको सात इलेक्ट्रॉन दिया
तो डी में सात इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखो डी में घर बनाइएगा, डी में पांच को घर बनाते हैं ना, एक दो तीन चार, देखिए पांच घर बने, इलेक्ट्रॉन भरिए हुंड्स रूल से, सात को है तो एक दो तीन चार पांच छह सात, देखिए भर दिए सात भर दिए, तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो एक दो तीन को हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन हो गया, और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए क्या गो है, तो तीन गो, ये चार गो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से देखिए आप पेयर्ड अनपेयर्ड निकाल सकते हैं, तो कितना पेयर्ड है, क्योंकि ये सब निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में, ये नहीं करिएगा तो काम आपका नहीं होगा, तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से देखिए हुंड्स रूल से इलेक्ट्रॉन भर के आप निकाल सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, छोड़ दो क्या करता हूँ, तो इस तरह से देखिए आप पेयर्ड और अनपेयर्ड निकालने के लिए सीखो। अब देखिए इसी पेयर्ड और अनपेयर्ड पर आगे बहुत सारा खेल है, जैसे देखिए अगर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अगर डी में एक भी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो देखिएगा पारा मैग्नेटिक हो जाएगा, तो यदि डी सब ऑर्बिट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एलिमेंट पारा मैग्नेटिक, यदि डी सब ऑर्बिट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एलिमेंट पारा मैग्नेटिक होगा, यदि नहीं तो डाय मैग्नेटिक होगा, तो इस तरह से देखिए अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो पारा मैग्नेटिक हो जाए, ये पारा मैग्नेटिक, और अगर नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा डार मैग्नेटिक, तो पारा मैग्नेटिक कहते हैं, पारा मैग्नेटिक कहते हैं अणु चुंबकीय, डायमैग्नेटिक कहते हैं प्रति चुंबकीय, तो चलिए हिंदी भी लिख दिए, अणु चुंबकीय प्रति चुंबकीय पारा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अब देखिए उदाहरण से भी हम दिखा देते हैं, तो एक उदाहरण से भी दिखा देते हैं, तो जैसे देखिए हम लेते हैं, मान लो
डी थ्री है, तो याद करो डी में पांच घर बनाते हैं, एक दो तीन चार, तीन इलेक्ट्रॉन हुंड रूल से भरिएगा भर दी, तो क्या है ना बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन, और बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है इसका नेचर हो जाएगा पारा मैग्नेट, पारा मैग्नेटिक। तो इसी तरह से देखिए अभी चूंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं बताए हैं, अगले क्लास में कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, और अगले क्लास में कॉन्फ़िगरेशन जब बताएंगे तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ लीजिएगा तो फिर एलिमेंट का एग्जांपल देंगे, जो कि आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव पूछते रहता। तो नेचर हो गया पारा मैग्नेटिक, लेकिन अगर डी टेन रहा तो डी टेन रहा तो देखो डी में पांच घर, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, देखिए सब जोड़ा हो और सब जोड़ा हो गया तो इसका नेचर हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। तो इस तरह से देखिए नेचर हो गया पारा मैग्नेटिक और नेचर हो गया डाई मैग्नेटिक। तो इस तरह से आप पारा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक निकाल सकते हैं, इसको अगर आप जान रहे हैं तो पारा मैग्नेटिक की बात हम लोग कर ली, डाई मैग्नेटिक की बात कर ली, तो इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करें, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम शॉर्ट में लिखा करते ईसी, ईसी बोलेंगे, समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको करने के लिए आप ये चीज निश्चित रूप से याद रखिएगा, एक सुने होंगे इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैसेस याद है, इनर्ट गैसेस आप जानते होंगे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इनर्ट गैसेस होता है। तो इनर्ट गैसेस इसका पूरा पूरा एप्लीकेशन अगले क्लास में होगा। तो ये इनर्ट गैसेस हुआ हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये हीलियम का परमाणु संख्या दो होता है, ये दस होता है, अठारह होता है, छत्तीस होता है, चौवन होता है, छियासी होता है। इतना करेंगे आप अंधा नहीं होगा अगले क्लास में, दो दस अठारह छत्तीस चौवन छियासी परमाणु एटॉमिक नंबर होता है, दो होता है, दस होता है, अठारह छत्तीस चौवन छियासी, और ये नंबर भी याद रखिए, ये एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, ये तीन पे है, ये चार पे है, ये पाँच पे है, ये छः पे है। इस तरह से नंबर को आप ध्यान में रखिएगा, कौन कितना नंबर पे है, उसका परमाणु संख्या कितना है, इसका हमको बिल्कुल अगले क्लास में इसका यूज करेंगे, अन्यथा काम आपका बिगड़ जाएगा, इसको आप याद रखें, रिमेंबर। क्या करना है, याद रखें, आप लोग उल्टा समझ लेते हैं, याद रखें मतलब भूल जाए, ऐसा नहीं समझना है, नहीं तो फिर अगला क्लास आपका चौपट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसको याद कीजिएगा, और आज जितनी बात बताए उसको आप दिमाग में रखिएगा, तो फिर अगले क्लास में आपको इजी लगेगा। तो थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत अधिक नंबर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, बहुत अधिक नंबर का, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते चलना है सभी बच्चे को रेगुलर हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चूँकि लैंग्वेज नहीं है इसलिए नोट्स भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप बोर्ड से ही यहीं से ही यूट्यूब के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अधिक लैंग्वेज की बात होगी जहां वहां पुनः देखेंगे, तो अभी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है इसीलिए इसी रूप में आप पढ़ते चलें, ठीक है। तो धन्यवाद।
Bye-bye.